बीजेपी की बैठक में अगर कोई टूटा करेगा ना, उसको जवाब जरूर दूंगी। उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो बीजेपी की बैठक में भारत माता की फोटो तोड़ता है, उसको कैसे बख्श देंगे हम? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है क्या? है क्या समझ रखा आपने? आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को शेयर करो। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को क्या समझ रखा है? कार्यकर्ताओं को क्या समझ रखा है? क्या कहते हैं, ये लोग कुछ कर नहीं सकते, चापलूस हैं, तलवे चाटते हैं मोदी मनोहर लाल के, ऐसे बोल रहे हैं। बैम में मत रहना, सारी तरह का जवाब देना आता है, दोनों तरीके से जवाब दे सकती हूँ, अपने बलबूते पे भी और कानूनी जरिए से भी। तो सोच समझ के आगे बोलो ना, तो सोच समझ के। बार 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 एक ही बात दोहराते हैं, ये कर दिया, नच लिया, टिकटॉक। हूँ मैं टिकटॉक वाली, टिकटॉक स्टार रही हूँ, आपकी क्यों जली भाई, आपकी टिकटॉक स्टार रही हूँ, प्राउड है मुझे इस बात पे। थोड़े दिन रुक तू, मैं तो यहीं रुकी हूँ, अपने घर पे हूँ, कहाँ रुकने को बोल रहा है? तुझे कुछ पूछना है तो आके पूछ सामने। देव जियाग, तेरे औकात से बढ़िया है क्या? औकात है तेरी औकात से बड़ी? क्या बढ़िया है? मैं सरेआम चैलेंज करती हूँ, तुम लोग पीठ पीछे करते हो, फालतू की बात में वीडियो बनाते हो। तुम लोगों की औकात तब समझ आएगी कि तुम लोग सामने आके चैलेंज करो मुझे। मैं तो सामने से कर रही हूँ ना, बार बार कहते हैं। वो क्या कह रही, भगा दिया, तीनों कान खोल के सुन ले, तीनों बैठ के करके आई हूँ, तीन तीन घंटे लगा के, तीनों बैठ के संपूर्ण हुई है, तीनों बैठ के, एक भी बैठक में एक मिनट भी कम समय नहीं लगाया, पूरी तरह से बैठक ली है, तीनों बैठ के हुई है। तेज बोलने और चिल्लाने से है ना, ये नहीं दिखता कि मतलब आप सब कुछ तोड़फोड़ कर दोगी, आपके सामने हम चुप हो जाएंगे। चुप नहीं, जवाब देंगे हम लोग, और जवाब हमें देना आता है बहुत अच्छे तरीके से। भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या समझ रखा आप लोगों ने? जवाब नहीं देगा हर कोई, जवाब देगा आप? चौधरी वीर डाबड़ा, चौधरी साहब आपने बहुत अच्छी बात की। सोनाली जी, आप जो भी बात कहते हो मुंह पे कहते हो, आप एक दबंग स्त्री हो और निडर हो, बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, कम से कम आपने मेरी बात को समझा। मैं जो भी कहती हूँ सरेआम कहती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, बिल्कुल सामने कहती हूँ, कभी भी किसी के पीठ पीछे मैंने कोई बुराई नहीं की, किसी का कहना है तो मैं सामने कहा है। लेकिन कुछ लोग आजकल फेमस होने के लिए जो मेरे नाम का सहारा ले रहे ना, उनकी मैं उतनी औकात नहीं समझती कि मैं उनका अपने मुंह से नाम लूं। अपने आप ही भाजपा के कार्यकर्ता इनकी बैंड बजाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी, मेरे फॉलोअर्स इनको जवाब देंगे। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगे, समझ में आ जाए उनको। इस वीडियो को शेयर करें, लंबा लाइव हो गया शायद ना, हमें शायद अभी राम राम कर लेनी चाहिए, काफ़ी हो गई बातें। भाई मैं भी हरियाणा का ही खून हूँ, कई बार से कोरियारी, तो जैसा आपका खून खोलता है ना, आपके संगठन के प्रति आप सुनते हो, मेरे संगठन, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलेगा, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोलेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और फिर कहती हूँ, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, हम भी जवाब देना जानते हैं। तुम लोग कहते हो ना, हम ये, हम वो, हम दबंग है, हम ये कर देंगे, हम भी दबंग हैं, हम भी कर देंगे, हमें भी जवाब देना आता है।
मेरे अंदर भी वही जाट का खून है, जवाब देना जानती हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। मेरे प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री के बारे में अगर एक शब्द सुना ना फिर से, तो ऐसा जवाब मिलेगा, याद रखोगे जीवन भर। मेरी पार्टी के खिलाफ, हमारे जो आदर्श हैं उनके खिलाफ आप लोगों ने भोंका ना फिर से, तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा, जिंदगी भर याद रखोगे। और यही बात पे कायम रहूंगी हमेशा। जो पंजाब का एक वीडियो आया था मेरे सामने, अभी मुझे किसी ने भेजा, कहता तेरे को हम बताते हैं तू मोदी की खट्टर की चापलूस है। मैं किसी की चापलूस नहीं हूँ, मैं अपने घर का खाती हूँ, अपना पैसा खर्च करके पार्टी में काम करती हूँ, किसी की नहीं हूँ चापलूस मैं। मैं मेरे माता पिता की चापलूस हूँ, उनका एहसान है मुझ पे, उन्होंने मुझे जन्म दिया। और भाई तू पंजाब वाले भाई, तूने कहा था ना मैं किसी किसान को गाड़ी नहीं देती, कान खोल के सुन, मैं किसी किसान को गाड़ी नहीं देती। मेरी बैठक में भारत माता की फोटो तोड़ी थी, मैं उसको कह रही हूं लफंगा। मुझे क्या पता क्या धंधा करता है वो, खेती करता है, व्यापार करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुझे क्या पता। वो भारत माता की फोटो तोड़ के गया, हमारी महिलाओं को बुरा भला कहा, उसने कहा कि इन महिलाओं के इनके बाल खींच के घसीटो, उसने ये शब्द कहे, उसने कहा मोदी मर गया हाय हाय, खट्टर मर गया हाय हाय, उसने ये बात कही। पीछे से उसने हमारे पानी के कैंपर तोड़े, समोसे चाय थे वो लूट के ले गए, पीछे से भारत माता की फ़ोटो तोड़ी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फ़ोटो तोड़ी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फ़ोटो तोड़ी। तो पंजाब वाले भाई तू चैलेंज कर रहा था ना मुझे, वो आदमी मुझे नहीं पता खेती करता है क्या करता है, वो आदमी हमारा गुनहगार है, उसने भारत माता की फ़ोटो तोड़ी थी, उसको कहा है मैंने लफंगा। और फिर से कहती हूँ, 100 बार कहूँगी लफंगा, मुझे वो कहीं किसान नहीं लगता। और भाई तू किसान है तो तेरे को सलाम, किसान तू खेती कर अपनी, अपना काम कर, और जो किसान धरना प्रदर्शन करते वो करो भाई, मैं किसी को मना नहीं करती। लेकिन मेरी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नुकसान पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में रोड़ा बनेगा, तो उसको हम नहीं बख्शेंगे, कानून का सहारा भी लेंगे। और मेरे में भी बड़ा दम है, अपने बलबूते पे भी जवाब देना जानती हूँ। आई समझ में बात पंजाब वाले भाई, जो तू वीडियो बना के डाल रहा है ना, और जो यहाँ वाली कुतियाँ बिलियाँ भोंक रही हैं उनको भी यही जवाब है। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करता है, खेती करता है, किसान है, क्या है, उसने भारत माता की फोटो तोड़ी थी, उसको जवाब दे रही हूँ लफंगा लफंगा लफंगा। 1000 बार कहेंगे लफंगा, शराबी मवाली, कुत्ते भौंकने के लिए आए थे, तोड़फोड़ भी करके गए, उन्हें कुत्ता, घटिया, शराबी, लफंगा, आवारा ही कहेंगे भारत माता की फोटो तोड़ने वाले को। आपकी गैरत मर चुकी है, शर्म बेच के खा चुके हो आप लोग, जो ऐसे मवालियों का साथ देते हो, जो भारत माता की फोटो तोड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं उनको कहता है इनके बाल पकड़ के घसीटो, ऐसे लोगों का साथ देती हैं आप, बदतमीज औरत। ये है आपके वीडियो का जवाब। और अगर तुम तुझ में दम है, इसास 68 संत नगर में रहती हूं, मेरे सामने आके बोल, तुझे मैं दूंगी जवाब। मेरे परिवार पे जाने की जरूरत नहीं है, तेरे सारे कारनामे सबको पता है, कौन क्या खाता है, क्या पीता है, कहां नाचता है, क्या करता है, तुझे क्या मतलब है इससे। हां हूं मैं टिकटॉक स्टार रही हूं, प्राउड फील करती हूं इस बात से। हां हूं मैं डांसर, हां हूं मैं अभिनेत्री, तू बताएगी मुझे। एक काम कर ले दो में से, औकात में रहे अपनी, दोनों काम करूंगी, तू बताएगी मुझे। तुम जैसे घटिया लोगों का तो मैं अपनी जुबान पे नाम नहीं लाना चाहती, सड़क छाप लोगों का। आए बड़े बताने वाले, एक काम कर ले तेरा साथ देंगे, औकात में रहना अपनी। और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जवाब देना चाहता है, उसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे कोई गोल आवाज उठाएगा, गंदी बोली बोलेगा
तो उसको जवाब देना हमें बहुत अच्छे से आता है और इसी तरह जवाब मिलेगा। बैम में बतरेना कहा हरियाणवी बोल के अपना वो दिखा रही है। हरियाणवी मने भी आवे बोलनी, हम बागड़ी हाँ बागड़ी बोलना जाना, तू तेरे सोनीपत वाली बोल रहे ना तो मने भी आवे, पर मारी भाषा में थोड़ी सभ्यता है, तेरे वाली में कोनी वो दो दाने कोनी तेरी।